नाइन्थ क्लास, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। देखो ये वीडियो आप जो मैंने बताया ना कोऑर्डिनेट का, उसको दो तीन बार देख लो। अब ये क्वेश्चन मैंने कुछ डाले हुए है ना, ध्यान से देखना। पहला वाला क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनना, प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। मैंने अपने तरफ से ख़त्म करवा दिया काफ़ी, एनसीईआरटी का मैंने सॉल्यूशन भी दे रखा आपको, उतना कर लो। तो इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस देख लीजिए आप, आपका कंसेप्ट बड़ा क्लियर हो जाएगा। देख लो पहला क्वेश्चन यहाँ पे मैंने इसलिए यहाँ पे डाला ना कि इसको बताऊंगा, फिर इसको मिटाऊंगा, फिर जगह बन जाएगा। मैंने कहा ना मेरा ब्रेन बहुत तेज है ना। अब देखो पी क्यू आर इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे साइड्स इक्वल होते हैं। अगर साइड्स की बात करो, इधर देखो इधर 4 यूनिट, इधर -4 है ना, तो 4 और 4 8 हो गया कि नहीं हो गया बताओ। क्यू आर कितना हो गया? 8। इतना तो ग्राफ बना बना के समझ गया हो ना। तो जाहिर है पी आर एंड पी क्यू भी सेम हो जाएगा। तरीका क्या होता है, जब भी क्वेश्चन में डिस्कस करूँ ना, पहले क्वेश्चन वीडियो रोक के क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो, दिमाग में फिट कर लो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर जाके सॉल्यूशन देखिए आप, तभी फ़ायदा है। ये हो गया, ये देख लो ऊपर से 4 नीचे से 4 8 हो गया कि नहीं हो गया। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में सारे साइड्स इक्वल, इच साइड इक्वल टू 8 सेंटीमीटर या 8 यूनिट। पी का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। आपको पता है ये मिड पॉइंट हो गया, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो मिड पॉइंट होता है ना, वो परपेंडिकुलर होता है। ये परपेंडिकुलर है, तुम देख रहे हो वैसे भी ये परपेंडिकुलर है, तो मिड पॉइंट हो गया है ना। तो ये क्या हो गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल का हाइट हो गया। पी ओ इक्वल टू क्या हो गया, हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। और एच के बारे में क्या जानते, मैंने फार्मूला लिखवाया था, ये देखो √3/2a। एच इक्वल टू क्या हो गया, √3/2a की जगह क्या रखिएगा, साइड 8 है ना, 8 तो कितना हो गया 4√3। ये हाइट हो गया, और ये हाइट कहाँ से, ओरिजिन से है ना, तो 4√3। तो ये क्या हो जाएगा, इस पॉइंट को हम कैसे लिखेंगे, 4√30। आपको पता है x एक्सिस पे y क्या होता है, हमेशा 0, और y एक्सिस पे x को क्या लिखा जाता है, 0। पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं, है ना। तो हो गया आंसर हमारा, पॉइंट निकल गया, हो गया। अच्छा इसी में मैं डिस्कस कर लेता हूँ एक और क्वेश्चन कि क्या होता, कुछ इस तरीके से होता, मान लो इस तरीके से होता, ऐसा होता है ना, ये ऐसा बना होता, देखो आप ऐसा, ये इक्विलैटरल, ये ओरिजिन है, ये यहाँ पे, ये वाला दे रखा 2 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक कितना दे रखा, 2 यूनिट है ना, और ये वाला दे रखा होता 4, और ये वाला दे रखा होता -4। कुछ इस तरीके से होता पी क्यू आर है ना, देख लो। अब ये 4 हो गया, 4 हो गया, फिर से 8 हो गया, तो इसका हाइट जो h है ना, इसका हाइट क्या होता, √3/2 × 8, तो क्या होता 4√3 होता कि नहीं होता, तो ये वाला हो जाता 4√3। इसका भी हाइट क्या हो जाता 4√3, अभी निकाला तो था। तो ये पॉइंट कैसे लेते, पॉइंट हमेशा यहाँ से लिया जाता ना, तो 4√3 यहाँ से यहाँ तक है, और यहाँ से यहाँ तक 2 है, तो ये पूरा पॉइंट क्या हो जाएगा, 2+4√3। इसको 6√3 मत लिख देना, कभी भी रैशनल इरेशनल के साथ ऐड नहीं हो सकता, खाली हम ऐसे लिखेंगे, ऐड है पर अलग अलग दिखाना पड़ेगा। आप इसको समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन देखो, व्हाट इज वाई कोऑर्डिनेट, COOR, कॉर्ड का मतलब कोऑर्डिनेट मैं लिखूंगा, ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, देखो तो 10, 20, 30, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 हो गया आंसर। x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0, और y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। अब वीडियो को 3-4 बार देखना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखो आप यहाँ पे इस वाले को देखो, थर्ड क्वेश्चन को देखिए आप, इफ एल एम पैरेलल टू y एक्सिस, इसको देख रहे हो, ये पैरेलल टू y एक्सिस है, पी कप क्या होगा, देखो तो 1, 2, 3 है ना, ये 3 हो गया ना, तो ये हो जाएगा, ये 3 है जान लो तुम, 3, 0 हो गया। Q का क्या होगा, यहाँ से 3 है, ये 3 है, और यहाँ से 2 है, तो पहले हम 3 x एक्सिस वाले को लिखेंगे, तो पहले हम 3 लिखेंगे फिर 2 लिखेंगे। देख रहे हो ये बेस ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है 3, और इसकी हाइट कितनी है 2, ऐसे लिखेंगे। R को क्या लिखेंगे, फिर से ओरिजिन से इसका डिस्टेंस कितना है 3, तो ये x एक्सिस 3, और ये हाइट 3 है ना, पर इस डायरेक्शन में, तो -3 हो गया आंसर हमारा। डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर, समझ रहे हो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो QR का डिस्टेंस क्या होगा, तुम सोचो तो, फिगर तुम्हारे सामने नज़र आ रहा होगा, देखो तो QR का डिस्टेंस क्या होगा, ये 3 है ना, और इधर 3 है, इसका हाइट कितना, देखो तो इसका हाइट कितना है 2, तो ये 2,
इसका हाइट कितना है, 3। इधर वाले पॉइंट को वाई एक्सिस के नीचे वाले पॉइंट को बिलो एक्स एक्सिस, वाई हमेशा निगेटिव होता है, देख रहे हो ना, तो ये 3, ये 2, ये टोटल कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 5। तो सेकेंड वाले का आंसर कितना हो गया 5 यूनिट्स। तुम सोच के देखो ज़रा, ग्राफ बनाया होगा इतना सारा, है ना, देख रहे हो, ये 2 है तो ये वाला 2 हो गया, ये 3 है तो ये वाला 3 हो गया, तो डिस्टेंस कितना हो गया 5। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव लिखा जाता है। अब सारा फोकस कीजिए क्वेश्चन नंबर 4 पे। लोकेट एंड राइट अ पॉइंट एवव एक्स एक्सिस लाइंग ऑन, देखो मैं ग्राफ बना लेता हूँ, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ने का चाहिए, पहले रोक के वीडियो, क्वेश्चन ढंग से पढ़ लो। लोकेट एंड राइट अ पॉइंट एवव एक्स एक्सिस लाइंग ऑन वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन। देखो ये ओरिजिन होता है ना, आपको एक पॉइंट लोकेट करना है एवव एक्स एक्सिस, राइट, एवव एक्स एक्सिस मतलब उधर, इधर एवव एक्स एक्सिस एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट, 1, 2, 3, 4, 5। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था ना, तो 0, 5 वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट, वहाँ पे एक्स को 0 लिखा जाता है, पहले एक्स लिखा जाता है फिर वाई लिखा जाता है, ये हो गया ए का आंसर, है ना। बी लाइंग ऑन एक्स एक्सिस टू द लेफ्ट ऑफ ऑरिजिन एट अ, देखो एक्स एक्सिस पे लेफ्ट ऑफ द ऑरिजिन कितना, 2 यूनिट, इसको क्या लिखोगे, -2। तो ये हो गया बी का आंसर, ये हो गया ए का आंसर, ए का आंसर यहाँ पे, बी का आंसर यहाँ पे, तो इसको ढंग से सोचना जरा, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन फिफ्थ देख रहे हो, ऐसे ये ओरिजिन है और ऐसे दे रखा, ये पॉइंट कितना है 4, 0, इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया, ये इन्होंने ए कहा है तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया 4, और ए बी ये 5 यूनिट दे रखा है ना, ये 90 डिग्री होता, ये बी हो गया। आपको पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है ना, ए बी स्क्वायर क्या होगा यहाँ पे, ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ ए स्क्वायर, देख रहो, अब प्लस ओ बी स्क्वायर, ए बी हो गया 5 का स्क्वायर, ओ ए 4 का स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो तो 25 में से 16 गया, 9 होता है तो ओ बी स्क्वायर इक्वल टू 9। बस यहाँ पे और देखो, आप लोग 9th क्लास में गए हो ना, तो अब इतने समझदार तो बन गए होगे ना कि जब भी स्क्वायर हटाते हैं तो रूट के साथ क्या आता है, प्लस माइनस, तो प्लस माइनस 3, 3 का स्क्वायर भी 9 और माइनस 3 का स्क्वायर भी 9, आएगा कि नहीं आएगा, है ना। तो कह रहा है कि फाइंड पॉइंट बी, फिलहाल तो वो देख रहे हो वो पॉजिटिव है ना, तो जो बी होगा ना, ये ओ बी हो गया 3, ओ बी हो गया 3, तो ये क्या हो जाएगा 0, 3। अगर यहाँ पे ऐसे होता ना, बी बी अगर इस तरीके से होता ना, इस तरीके से यहाँ पे बी, तो हम क्या लेते 0, -3, क्योंकि आप देख रहे हो ओ बी का वैल्यू प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, इधर वाई ये इधर प्लस होता, इधर क्या होता माइनस होता, इधर अगर कोई पूछता तो हम माइनस ले लेते, फिलहाल अगर खाली बी पूछ रहा तो 0, 3, अगर ये नीचे होता ना ये बी तो हम क्या लेते 0, -3। तुमने सुन लिया जो मैं बोल रहा हूँ, 5 क्वेश्चन और बता रहा हूँ, ठीक है, कुछ क्वेश्चन और देखिए आप। पहला देख रहे हो, फाइंड ए बी हुज ऑर्डिनेट इज ट्वाइस एज मच एज अबसिस्सा एंड सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स इक्वल टू -12। मैंने क्या बताया था, सॉल्यूशन देखने से पहले क्वेश्चन ढंग से पढ़ लो, वीडियो रोक के क्वेश्चन को दिमाग में डाल लो क्या है, है ना, सब कॉन्शियस माइंड में आ जाना चाहिए क्वेश्चन। तो देख रहे हो पी ए बी पॉइंट ए बी, इसको क्या बोलते हो अबसिस्सा, है ना, इसको क्या बोलते हो ऑर्डिनेट, है ना, तो क्या दे रखा हुज ऑर्डिनेट इज ट्वाइस, मतलब बी ऑर्डिनेट ट्वाइस ऑफ अबसिस्सा, ये दे रखा एंड सम ए प्लस बी इक्वल, ये दे रखा है ना, ए बी की जगह क्या रखोगे 2a इक्वल टू -12, तो यहाँ से a निकाल के देखो -4, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा -8, है ना, फाइंड पॉइंट हो गया, तो देयरफॉर पॉइंट, पॉइंट क्या हो जाएगा, पहले हम a -4, -8 हो गया हमारा आंसर, क्लियर है, पहला क्लियर हो गया भाई। अच्छा अब आ जाओ सेकेंड, 7th क्वेश्चन, ये 6th क्वेश्चन था, देख रहे हो 6th क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन फिर से पढ़ना होगा भाई, क्या है, प्लॉट 40 और 04 फाइंड एरिया ए ओ बी, कोऑर्डिनेट में ओ का मतलब समझते हो, कोऑर्डिनेट में ओ का मतलब होता है ओरिजिन, है ना, तो इस तरीके से ये देखो ये है ओ, लिख देता हूँ ओरिजिन, ओ का मतलब यही होता है, 40 कहाँ पे, 1, 2, 3, 4 ये हो गया ए, ये हो गया 40, क्लियर है, 04
वन टू थ्री फोर, ये हो गया बी, और ये पॉइंट कितना दे रखा, जीरो फोर। अगर ये फोर है तो जीरो फोर ही होगा, ना भी लिखो तो समझ जाओगे ना। तो आपको ये वाला एरिया आपको निकालना है, ये वाला एरिया है ना, क्या है, कौन सा है फिगर, ये ट्रायंगल ही है। एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना है फोर, हाइट भी कितना है फोर, तो हाफ इंटू फोर इंटू फोर, तो कितना हो गया एट स्क्वायर यूनिट्स। ये देखो हो गया आंसर, देख रहे हो। अब आ जाइए एट क्वेश्चन पे, इसको मिटा देता हूँ तुम समझ जाना कि दो क्वेश्चन मिट गया। एट क्वेश्चन पे आ जाओ, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन पढ़ो, पॉइंट दे रखा थ्री टू माइनस टू टू एंड थ्री माइनस टू, ये सारे ठीक है। ज्वाइन दिस एंड नेम द फिगर्स ऑफ फॉर, ज्वाइन दिस एंड नेम द फिगर, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये ओरिजिन होता है आपको पता ही है। पॉइंट कौन कौन सा लोगे, थ्री टू वन टू थ्री वन टू, तो ये हो गया तुम्हारा थ्री टू, यहाँ पे लगभग समझ रहे हो, स्केल होता तो ढंग से कर लेते ना तुम लोग। माइनस टू टू वन टू माइनस टू और ये टू, तो देख रहे हो माइनस टू और टू, ये यहाँ पे आएगा, जानते हो ना, पहला वाला पॉइंट को ए लिख दिया और ये क्या था थ्री टू, ये वाला थ्री था और ये वाला हाइट टू था, और ये दूसरा वाला पॉइंट क्या था माइनस टू, ये वाला इधर वाला माइनस वन होता है, इधर वाला माइनस टू होता है, इसको मैंने बी कह लिया है ना। और ये देख रहे हो वन टू माइनस टू माइनस टू, ये रहा माइनस टू और माइनस टू, ये हो गया तुम्हारा, इसको मैंने सी कह लिया, ये हो गया माइनस टू माइनस टू, ये सारे पॉइंट्स हो गए भाई। ये देखो ये एक पॉइंट हो गया, इसको मैंने कह दिया सी, क्या है माइनस टू माइनस टू। अगला क्या है थ्री माइनस टू, वन टू थ्री, थ्री और माइनस वन माइनस टू, थ्री माइनस टू, इसको मैंने डी कह लिया, क्या हो गया ये थ्री माइनस टू। अगर तुम इसको मिलाओगे ढंग से स्केल से, ये कैसा नज़र आएगा, ये नज़र आएगा कैसा, मुझे तो रेक्टेंगल नज़र आ रहा, कैसा नज़र आ रहा, रेक्टेंगल। ढूंढते हैं इधर से वन टू थ्री, इधर से कितना वन टू, ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया फाइव, इधर से देखो वन टू और इधर से कितना वन टू, इधर वाला डिस्टेंस कितना हो गया, इधर वाला डिस्टेंस हो गया फोर, तुम देख रहे हो ना, इधर वाला फाइव इधर वाला फोर, और हर एक एंगल 90 डिग्री है, तुम देख रहे हो ना ये फाइव कैसे हो गया वन टू थ्री, इधर वन टू, तो डिस्टेंस हो गया फाइव, इधर देखो वन टू, इधर भी वन टू, इधर वाला हो गया फोर। तो अगर आपसे पूछे कि ये कौन सा फिगर है, तो ये कौन सा फिगर है भाई, रेक्टेंगल है, हो गया हमारा ये वाला कौन सा एट क्वेश्चन हो गया हमारा, देखो तुम ठीक है भाई। अब आ जाइए किस पे, नाइन्थ पे, तुम नाइन्थ को ढंग से देखिए जरा, नाइन्थ को ढंग से देखो, मैंने बोला ढंग से देखो ठीक है। प्लॉट 6400 एंड ये फाइंड द एरिया ऑफ द फिगर 64। भागलपुर का ताज़ा खबर, अभी बारिश पड़ रही है बहुत, रात से ही बल्कि बारिश पड़ रही है, अच्छा मौसम है ना, शिमला जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी किसी को, और जा भी नहीं सकते कोरोना में। 64 वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये रहा 64 वन टू थ्री फोर, ये देखो ये पॉइंट कहाँ पे आ गया, पॉइंट यहाँ पे आ गया, ये तुमने सीखा है कि नहीं सीखा है, इस पॉइंट को मैं ए कह लेता हूँ, तो ये हो गया तुम्हारा 64 जीरो जीरो, ये तो ओरिजिन होता ही होता है। एंड 60 वन टू थ्री फोर, 60 वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये वाला हो गया, इसको मैं बी कह लेता हूँ, ये हो गया 60। इसको ज्वाइन करने के लिए कहते हैं है ना, ये देखो तीनों को ज्वाइन करो, ट्रायंगल हो गया, एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस ओ बी, हाइट कितना ए बी, तो ओ बी कितना हो गया भाई 6 और हाइट कितना हो गया 4, तुम देख रहे हो ना, तो 12 स्क्वायर यूनिट्स, ऐसे लिखा जाता है एरिया को, अगर सेंटीमीटर होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर होता तो मीटर स्क्वायर, मतलब जो भी यूनिट है उसका स्क्वायर। 10th क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डो नॉट लाई इन एनी क्वाड्रेंट, अगले के मैं बताऊँ, पाँच छः पॉइंट दे रखें, कौन सा किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं आ रहा है ना, क्वाड्रेंट में, पहला वाला क्या है 5 6, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स है ना, तो वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव हो गया, और वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स हो गया, तो पहला वाला तो यहाँ पे आ गया 5 6, किस क्वाड्रेंट में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहला वाला। दूसरा वाला 0 4, वन टू थ्री फोर, ये वाला पॉइंट क्या हो गया 0 4, ये किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं आ गया,
एक ये हो गया हमारा आंसर 0 4, किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं, ये वाई एक्सिस पे है ना, तो किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं। अगला देखो 3 6 3 6, ये यहाँ पे आ गया, तो ये भी किस क्वाड्रेंट में गया, 3 6 भी किस क्वाड्रेंट में गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगला क्या है, -8 0, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये रहा -8 0, ये भी आंसर में आ गया, किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं आएगा। अगला 2 -3, ये 2 और ये -3 यहाँ पे आएगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो हमारा 10th का आंसर क्या हो गया, कौन सा ऐसा पॉइंट है जो किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं आया, एक तो हो गया 0 4 एंड -8 0, ये दो पॉइंट क्लियर है। बस ये था कोऑर्डिनेट के क्वेश्चंस, ठीक है, क्लियर।